मैं अगर हो सकता लिंक ओयन होगा, अगर मैं मोमदन भी होता ना तो भी मेरा इंडिया इंडिया की सपोर्ट करता, मैं क्यों कर दूँ पाकिस्तान की। चल सुपर हिट होगी। हाँ मैंने गदर 1 देखी थी अपने बचपन में, अब मैं गदर 2 देखूँगा अपनी उम्र में। हिंदुस्तान में पाकिस्तान रहते हैं तुझे बताइए है, उनके किंगे लगा हुए हैं, किले दामाद बनाएंगे पाकिस्तान, किस दामाद को बनाएगा, पूरा हिंदुस्तान तैयार खड़ा हुआ है। मोड़ आया मैं एक दिल छोड़ आया, तो है ये तो है, जो पाकिस्तान में आई जो उसकी हमें स्कूली की जो लड़की बनी है, हमेशा पढ़ी तो बनी है, जब वो उसका दामाद बना तो जैसी बात है कि वो पाकिस्तान का दामाद है और कहलाया जाएगा। पाकिस्तान वाले मानते इस चीज को, पिक्चर के अंदर पाकिस्तान वाले मानते इस चीज को, ये बिल्कुल नहीं मानते। तो जरा सोच है, अलग सोच है, पिक्चर में दिखाया गया है, पिक्चर है पिक्चर। लोग मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक मिनट माध्यम से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिना माइक्रोवेव आप रिकॉर्डिंग कीजिए कर लोगे आप, बिना कैमरा कर लोगे नहीं करोगे, कैमरे से सबरी काम नहीं बनेंगे। और ASI ये पिक्चर का ऐसा पिक्चर में दिखाया गया, पिक्चर में बता रहा हूँ, पिक्चर में अगर सकीना से मतलब शादी करिए पाकिस्तान से तो दामाद तो हुआ ना, ये तो माध्यम से दामाद तो है, ये तो है, जो पाकिस्तान में आई जो उसकी अमृतपुरी की जो लड़की बनी है, मीसा पटेल जो बनी है, जब वो उसका दामाद बना तो जैसी बात है कि वो पाकिस्तान का दामाद है और कहलाया जाएगा। एक चाहे वो 3 घंटे की मूवी हो या 2.5 घंटे की या 3.25 घंटे की मूवी हो, तो उसमें जैसी बात है दामाद ही दिखाया जाएगा उसका। हो जाए दामाद कहलाएगा, शादी हो नहीं होगी तो दामाद नहीं कहलाया जाएगा। मूवी आने वाली है तो पिक्चर में हुई है, हकीकत तो नहीं हुई है। आप क्या बात पूछ रहा हूँ, एक मिनट रुको, ये पिक्चर में जल लूट रहे हकीकत लूटते हैं है? है तो जय भी गलत है, मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ, पिक्चर में तो बोला गया ना मूवी हकीकत में नहीं, मूवी के अंदर वो मैं बता दे रहा हूँ, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दिखाई दे रहे हैं देखो पिक्चरों में सब कुछ दिखा। नेक्स्ट मूवी के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और एक गदर प्रेम गदा, इसका मतलब ये नहीं कि गदर होना चाहिए, लेकिन क्या एक माध्यम मूवी ओनली इंजॉय के लिए, सभी के सभी पब्लिक यानी ओनली ऑल इंडिया ऑल पीपल, उसके लिए एक एंजॉय के आधार पर बनाई हुई है ये मूवी है, ऐसा कोई जातिवादी का ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, एक एंजॉय के लिए मूवी बनाई है। तो हम चाहते हैं अगर नेक्स्ट जो पिक्चर आ रही है सनी भाई की, तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़ चढ़ कर होगी और उनकी मूवी हिट हो जाए। वैसे तो उनका नाम ही काफ़ी है कि सनी, क्योंकि उनकी आवाज़ लगता है, उनकी आवाज़ में ही दम है, तो मैं सनी भाई की पिक्चर हिट हो जाए मैं उनके लिए यही कामना करूँगा। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ हीरो ऐसे हैं, ज़्यादातर खान लोग ज़्यादा हैं, और हमारे जैसे सनी देओल है, अक्षय कुमार है, और ऋतिक रोशन है, एक अभी जैकी श्रॉफ जो जैकी टॉयगर है, बाकी तो सभी खान हैं, ये आपको ही पता है, लेकिन ये हमारे देश की शान है। एक कहते हैं ना एक हिंदू में यही लोग हमारे देश की शान है, अजय देवगन, उन्होंने सिंघम पे चला ली बहुत अच्छी गजब की स्वर मूवी, जो बढ़िया हमें थोड़ी अच्छी सीख भी मिलती है। 3 घंटे की मूवी में अच्छी बातें दिखाई जाती हैं, विलन चाहे कितना भी हैवी होता है, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है, तो सत्य कभी नहीं हारता, झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई आगे बहुत तुच्छ और छोटा ही लगता है। जय हिंद। मैंने आपने यही बोला था, ये देखो फिल्म की देखे वाली चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आदमी को जनता गदर 2 का जो टीजर आया हुआ है ना, उसके अंदर ये बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ शब्द क्या है, पाकिस्तान का दामाद है वो। अच्छा जी, उसे टीका लगाओ, नारियल दो, नहीं तो दहेज में लाहौर लेके जाएगा। डायरेक्टर की है ना, डायरेक्टर की गलती है। और देखो आप जो समझ रहे हो, आप बोलो उस मुल्क से ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में पाकिस्तान रहते हैं तुझे बताइए है, उनके किंगे लगा हुए आप है, किले दामाद बनाएंगे पाकिस्तान, किस दामाद को बनाएगा, पूरा हिंदुस्तान तैयार खड़ा हुआ है, किन बेटियों को बेचेगा जाए पाकिस्तान, बताइए आप है, बताइए है, सब लड़कियों की शादी करेगा हिंदुस्तान, तो सभी लोग खड़े हैं यहाँ पर, सारे हिंदुस्तान तैयार खड़े हुए हैं, बताइए आप पाकिस्तान की क्या औकात है, हमारी एक लड़कार दे, हमें हथियार नहीं चाहिए, उसमें ही कल इस कदम कर आएंगे हम, समझ रहे हो, सिर्फ छूट मिले जलते क्यों, गुस्सा क्यों होते कौन सा अभी पाकिस्तान का दामाद है
है बिल्कुल बिल्कुल है। कुछ लोग गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इसमें हम पैदा हुए इसी में दफन हो जाएंगे अपने इंडिया में, इसके लिए हम कुर्बानी दे देंगे अपने देश के लिए। गुस्सा नहीं नहीं गुस्सा कोई नहीं हो रहा है, गुस्सा कोई नहीं हो रहा है, नहीं गुस्सा कोई नहीं हो रहा है। झटके की झटके में कल इस खत्म हो जाएगा, एक आम जनता कल इस खत्म कर देगी पाकिस्तान का, समझ रहे हो? कुछ भी नहीं है पाकिस्तान, अपने इंडिया के पावर और खाना पीना और शुद्ध हवा पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा। और जरा सा पानी आ जाता तो भोसड़ी का काय काय करता है। गदर कितने देखे? गदर मैंने 3 दफे देखी, टॉप की मूवी लगी है। लेकिन एक बात बोलूँ आपसे, गदर टू जो आएगी उसमें एक चीज़ है, विलेन नहीं है अमरीश पुरी जैसा, तो उससे और से मिला के सबसे सुपर हिट यह है पुरानी वाली। अच्छा आपने पुरानी गदर कितनी बार देखी है? मैंने कम से कम मूवी देखी है 4-5 दफे देखी है। हाँ थिएटर में देखी थी, जोगाला टाकिस में देखी थी, कुछ लोगों ने मोमदनों ने हंगामा चोद दिया था, फिर हमने भी नौटंकी कर दी वहाँ पर, फिर वो भागे पड़े थे, फिर माते नो कह रहे थे आग लगा दो थिएटर में। मैंने तुम्हारी औकात है बहन के लौड़ आग लगाने की? उस टाइम पे मैं था, उस टाइम पे मेरी यंग उम्र थी 19 साल का या 21 साल की उम्र थी डगवा, उस टाइम पर थोड़ी एक्सरसाइज करता था, शरीर फिट था, उनकी औकात नहीं थी। 15-20 लोग आए थे, कहे ये हो जाएगा उसमें ये पिक्चर नहीं चलेगी, उनकी औकात है बहन के लंडों की। अगर ये मूवी है तुम तो अपने वो हो सकता है उनको पाकिस्तान से कोई लिंक हो, चढ़ी थी सबकी सब एक बार में उतर गई यार। मैं कह रहा हूँ हो सकता है लिंक हो उनका, अगर मैं मोमदन भी होता ना तो भी मेरा इंडिया इंडिया की सपोर्ट करता, मैं क्यों कर दूँ पाकिस्तान की? मैं उनका जवाब दे रहा हूँ, आप उनसे भाई बस जय राम। आपने देखी तो? नहीं मैंने देखी नहीं, देख लो मैंने तो देखी। जो कश्मीरी पंडित है ना वो डरते हैं, क्योंकि उनका साथ बहुत हास्य करे थे उन लोगों ने, आरी थे काटे थे, फौजी वर्दी पहन के पाकिस्तानी लोगों ने ऐसी तैसी करी थी उन लोगों की, बहन बेटियों को नंगा करा था, बच्चों में गोली मार दी, तो वो लोग दहशत में है। मां सिर्फ दो ही कास्ट बहुत है, एक जाटप और एक बाल्मीक, उनकी यानी फटी फटी डोलेगी, कितने पटाने वो कितने काटने वाले हैं वो, ऑलरेडी बस दो ही कास्ट जाटप। तो आपको इनके बारे में पता कैसे चला, इन चीज़ों के बारे में? इन चीज़ों में हमने जब हम घूमने जाते हैं ना उधर की साइड में, जो कैसे आपको पिक्चर के थ्रू ना ना बिल्कुल आमने सामने, जब कि हम घूमने जाते हैं ना कश्मीर साइड में, वो हिंदू है ना, जैसे कि हम होटल वाला हिंदू है वो बताते हैं वो स्टोरी वहाँ पर। कई लोग जब ऐसी पिक्चरें आती हैं हमारे यहाँ पे हमारे इंडिया में, तो कई लोग ऐसी पिक्चरों को फिर बैन करने की मांग करते हैं, फिर वो क्यों करते हैं? नहीं ताकि सच्चाई सामने ना, इसलिए सच्चाई सामने आनी चाहिए, काढ़ा बोलता है सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर सच्चाई सामने नहीं आएगी तो इतिहास की मालूम कैसे पड़ेगी क्या हुआ था? जो बैन लगाते हैं वो गलत होता है, मालूम पड़ना चाहिए चाहे वो कौन सा भी केस हो। बैन लगाने का मुख्य रीज़न क्या है वैसे, क्यों लगाते हैं बैन फिर ऐसी पिक्चरों को? सच्चाई को छुपा सके, सच्चाई को छुपा सके, सच्चाई कभी छुपती है नहीं छुपती है। और सच्चाई सामने वालों को जो बैन लगा था उसे सब कुछ मालूम होता है, उसके बावजूद भी वो एक्शन उठा रहा है, गलत है, जो है वो है। और लोग बाग हमसे चमार शब्द में बात करते हैं, हम लोगों से आगरा में जाटा समाज से बात करते हैं, तो बहुत बड़ी बात हो गई है, समझ रहे हो? अच्छी बात है, ये जो है वो है। हम लोग चोटे नहीं, हरियाणा का हमारे भाई चोटे नहीं है, वो कहते हैं हाँ भाई मैं मुंडी आऊँ चमार का हूँ, जाटम नहीं लगाते उठा इधर लगाते हैं। धन्यवाद। काम करते हैं आप इससे रखते हैं, मुझे फिल्मी दुनिया से कोई चश्मी नहीं है, मैं इन चीज़ से बाहर हूँ। नहीं अमरीश पुरी के बड़े लड़के हैं जी, उन्होंने ये कहा था कि मुझे इसे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं जैसा हूँ बढ़िया हूँ, मुझे स्टूडियो से कोई काम नहीं करना। पहले आपने पिक्चर थिएटर में देखी थी कि टीवी में देखी थी पहले जब शुरुआत में आई थी उस समय? कौन सी गदर फिल्म मूवी?
गदर मूवी मैंने पहला शो ज्वाला टाकीज में देखा था मैंने, यू आर राइट, उसे इनाम भी ली थी मैंने। ज्वाला टाकीज में पहली मूवी देखी थी मैंने। तो समय पे कुछ टाकीज के अंदर क्या कुछ हंगामा हुआ था? टाइज के अंदर मैंने उस टाइम पर शो देखा था, उस टाइम पर मैंने कोई हंगामा नहीं हुआ था। पब्लिक इतनी टूट मारी थी कि ये यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, गाड़ी नहीं, इतनी पब्लिक भर रही थी सड़क के बाहर तक, पब्लिक टिकट 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 नहीं है ना। सुबह 8 बजे से बुकिंग के पास ही खड़ा था, सुबह 8 बजे से बुकिंग के पास खड़ा था, गदर मूवी देखनी है। मैं, मेरे बच्चे थे, सुबह 8 बजे थे, मैं गया नहीं वहाँ से, बुकिंग खुली थी तो टिकट मैं नहीं पकड़ी पहली। हाँ, इस बार कुछ हंगामा हुआ क्या लगता है गदर 2 के अंदर? गदर 2 के लिए मैं इतना कह सकता हूँ, गदर 2 मूवी आएगी, जो सनी बाबा फिर आ रहे हैं, दोबारा वापिस आ रहे हैं, फिर वापिस आ रहे हैं, है ना, फिर वापिस आ रहे हैं। तो देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ये परमात्मा हमारा ऐसा कुछ वो नहीं होने चाहिए, पर इस फिल्म में पब्लिक टूटेगी, फिल्म हिट होगी, सुपर हिट ही जाएगी, गदर 2 मूवी हिट जाएगी सनी बाबा की। और बताइए आप, और सर बताइए, बता रहे हैं पाकिस्तान का दामाद, बता रहे हैं पाकिस्तान का दामाद है वो सनी बाबा हैं, पाकिस्तान का दामाद है सकीना को ले जाता शादी करके, ये तो फिल्म में, ये बता रहा हूं ऐसे नहीं है। आज सकीना अमीषा पटेल जी आज हमारे बीच नहीं है। कौन, अमीषा पटेल? हाँ जी, हैं हैं